Hello students, welcome to Vividya Banking, and today we are here with RBI preparation strategy. I am Gaurav Rana and I will teach you how to prepare English for RBI assistant. So basically, aaj hum preparation strategy ko samajhne ki koshish karenge ki agar hume RBI assistant ke liye within this much of required time, jo ki exam mein abhi kafi time bacha hai, काफी कम टाइम बचा है, उसमें इंग्लिश को प्रिपेयर करना है और बिल्कुल बेसिक से करना है, एक्यूरेसी के साथ पूरे नंबर आ जाएं, तो क्या करना होता है और क्या हमें करने की जरूरत है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना होता है, जिसमें आप समझते हैं कि आपका एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं एंड हाउ मच टाइम यू विल बी गिवन फॉर दिस सेक्शन टू अटेंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, जो आपको मिलेगी, वो होगा कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। तो कई बार हम क्या भूल जाते हैं कि जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनसे हम डर जाते हैं थोड़ा, और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इजी टू मॉडरेट लेवल में हम अपने क्वेश्चंस जो टिपिकल हैं, जो टफ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। अब देखो यहां पर इजी टू मॉडरेट करने का मीनिंग क्या है कि सिर्फ आप पहले पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसकी तैयारी कर रहे हो, पहले पेपर की तैयारी कर रहे हो, हमें उससे हायर लेवल मतलब डिफिकल्ट लेवल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे वाले लेवल पर भी जाना है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल को भी तो क्रैक करना है ना। और अब ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए डिफरेंट प्रिपरेशन करोगे और उसके लिए डिफरेंट प्रिपरेशन करोगे, जो कि कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, कॉमन चीजें हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर है वो कॉमन ही होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम के लिए अलग कर रहे हो और मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें तीनों लेवल्स को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने इंग्लिश को इतना अच्छा करना है कि तीनों टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएं, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो। अब इसके लिए जो जरूरी जो चीजें हैं हमारी इंग्लिश के लिए, वो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज ग्रामर, ठीक है, पहला जो आपके पास दिमाग में जो पॉइंट आता है दैट इज ग्रामर। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सेक्शन आता है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, समझिएगा, कॉम्प्रिहेंशन आता। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन एक अकेला सेगमेंट है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेजेस आते हैं, अगर मैं कहूं तो पैराजम्बल्स आते हैं, ठीक है जी, ये तीन चीजें जो है कॉम्प्रिहेंशन में आती हैं। ग्रामर अलग हो गया है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन अलग हो गया है। ग्रामर में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, एरर डिटेक्शन आ गया, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेरे पास आ जाता है। तो ये दो तीन चीजें जो है वो हमारे पास ग्रामर से आती है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से ये आता है। इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन बचता है दैट इज वोकैबुलरी, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ आता है, वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी का जब हम सेक्शन देखते हैं तो इससे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो दीज आर सेगमेंट्स, दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वोकैबुलरी से जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं दे आर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और दूसरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, synonyms, antonyms, दूसरा word usage के कुछ questions हमारे पास आते हैं जो नए pattern के related होते हैं, ठीक है। तो these are type of questions, these are segments we need to prepare. सबसे पहले हमें ये समझ करके चलना होगा। अब देखो ये sections हैं, ग्रामर तैयार करनी है, कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है, वोकैबुलरी तैयार करना है, और इनसे कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एरर डिटेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, क्लोज टेस्ट होगा, पैराजम्बल्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वर्ड यूसेज के क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी से। अब देखो पहला जो आपके पास पेपर है उसमें 100 मार्क्स का आपके पास पूरा सेक्शन है जिसे आपने 1 आवर में करना है। इंग्लिश में आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे 30, ठीक है, और टाइम जो मिलेगा दैट विल बी 20 मिनट्स। वो क्या मिलेगा, 20 मिनट्स मिलेगा, क्लियर। ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास सारी चीजें हैं जो हमें पता है।
तो अब देखो इसको करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे सेक्शन को देखते हैं और टाइम से और क्वेश्चन से ये अंदाजा लगाते हैं कि जिस पार्ट में भी हमें ज्यादा टाइम लगेगा उसे हम बाद के लिए छोड़ेंगे। किसके लिए ड्रॉप करेंगे? बाद के लिए ड्रॉप करेंगे, मतलब हम बाय द एंड ऑफ आर एग्जाम हम उसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास पोर्शन आता है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को हम सबसे बाद में रखने की कोशिश करेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या होगा? अनसीन पैसेज। देखो अनसीन पैसेज मतलब जो पैसेज आते हैं जिसको हमने क्वेश्चन का आंसर करना होता है, हम उनकी बात करें कि उसे हम सबसे बाद में करने की कोशिश करेंगे। अब उसे सबसे बाद में करने की कोशिश का मतलब है कि आप उसे अभी ड्रॉप कर रहे हैं अपने प्लान से, प्रिपरेशन ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, उसे हम पेपर अटेम्प्टेशन में सबसे बाद में करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेन थीम है वो क्या है? ग्रामर है, वोकैबुलरी है। दो ये चीजें हैं हमारे पास रहेंगी जिन्हें हमने प्रिपेयर करना है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड यूसेज। ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके चलना है, सो दैट कि जब हम बाय द एंड पहुंचे तो सिर्फ हमारे पास क्या हो? कॉम्प्रिहेंशन बचे, जिसको हमने कहां करना है? बाद में करना। प्रैक्टिस हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस हमें स्टार्टिंग से ही करते रहने। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रामर का यूज आप क्लोज टेस्ट में भी कर सकते हो, ग्रामर का यूज आप पैराजम्बल्स में भी कर सकते हो। हम प्रीलिम्स और मेंस की बात कर रहे हैं दोनों की। अब यहां पर वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में भी एक चीज कॉमन है, दैट इज रीडिंग। ठीक है, कॉमन चीज जो है वो क्या है? रीडिंग। क्या है? रीडिंग। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज को भी पहले पढ़ा ही जाता है ना, तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लिए दैट इज टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ रीडिंग। रीडिंग स्पीड बढ़ाएं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, रीडिंग स्पीड या रीडिंग करते टाइम जो आपके पास वर्ड्स आते हैं, अननोन वर्ड्स, ठीक है, क्या होते हैं अननोन वर्ड्स, उसकी आपने एक छोटी सी बुकलेट बनानी है। क्या बनानी है? बुकलेट बनानी है। बुकलेट बनाने का मतलब क्या है कि उसमें आप वो वर्ड लिखेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, मीनिंग समझेंगे, प्लस यहां पर उसी का एक सिनोनिम एंड एंटोनियम लिखेंगे, और एंटोनियम लिखेंगे। वन सिनोनिम एंड वन एंटोनियम ऑफ दैट वर्ड विल बी रिटन इन योर बुकलेट ऑफ वोकैबुलरी। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब देखो, अगर आपको वर्ड्स पता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनियम्स में भी आते हैं, वर्ड यूसेज, ये सारा सेक्शन जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा बाय दिस प्रैक्टिस ओनली। और अगर आप इस प्रैक्टिस को आगे यूज कर रहे हो, इस प्रैक्टिस को आगे लेकर के चल रहे हो, दैट मींस हमारे पास फंडा क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास फंडा क्या है वो देखो कि अगर आप इन दो चीजों को कर रहे हो, ठीक है, इन दो चीजों के करने से आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, और साइड बाय साइड हम इसके एक डेली पैसेज करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10 days ऑफ प्रिपरेशन, आफ्टर 10 days ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, 10 days ऑफ रीडिंग स्पीड, इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड, ठीक है, और अननोन वर्ड्स को याद करने के बाद, सिनोनिम एंटोनिम लिखने के बाद हम क्या करना स्टार्ट करेंगे? डेली एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहां पर जो अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे वो एक क्लोज टेस्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? एक क्लोज टेस्ट रखेंगे। दूसरा, एक पैराजम्बल भी हम करेंगे। तो हमारे पास ये सारी चीजें होंगी अपने दो सेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दो सेक्शंस हमारे लिए इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास 30 days का भी टाइम है तो आप इन दोनों सेक्शंस को इजिली इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम योर बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो और उससे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, दैट इज नथिंग, उससे आपके एग्जाम में बहुत कुछ आएगा। बट यू स्टार्ट रीडिंग, यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, जब आप पढ़ो तो फंडा क्लियर होना चाहिए। तो ये दो चीजें, ये दो सेक्शंस आप यहां से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। अब हम ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, ग्रामर का पॉइंट हमारे पास क्या होगा?
ठीक है, तो मेंस में भी इससे इंग्लिश सेक्शन से आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चीजें किस तरीके से चलेंगी, ठीक है। अब ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, तो ग्रामर के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कि आपको बेसिक ग्रामर आए, ठीक है। बेसिक ग्रामर आने का मतलब क्या है, यू शुड नो व्हाट इज सेंटेंस, यू शुड नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब टेंसेस मॉडल्स कंजंक्शंस, ये आपको 7 से 8 टॉपिक्स पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। 7 to 8 टॉपिक्स के लिए अगर मैं कहूं वी नीड टू लर्न 7 to 8 टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। अब 7 to 8 टॉपिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ने के लिए हमें कितने दिन चाहिए, ओनली 7 to 8, नॉट मोर देन दैट, इससे एक भी ज्यादा टॉपिक नहीं चाहिए। और डेली हर टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस, हर टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस के जो आपने पढ़ा वो इम्प्लीमेंट होता रहे, क्या होता रहे, इम्प्लीमेंट होता रहे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो मैंने वहां पर अपने लिए टॉपिक तो पढ़ा ही पढ़ा था, ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिस को भी इम्प्लीमेंट किया। यहां पर भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बेसिक ग्रामर अपनी पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पिकिंग अप क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सिंपल सा फंडा हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आप डेली प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे इंग्लिश के लिए। अब यहां पर फंडा क्या है हमारे लिए, आगे कैसे बढ़ते हैं और आगे कैसे प्रिपेयर करना है वो देखिए। अब 50 क्वेश्चंस तो आपके टॉपिक वाइज हो गए, उसके बाद आप उठाएंगे एरर डिटेक्शन, क्या उठाएंगे, एरर डिटेक्शन। आफ्टर 10 डेज यू विल बी हैविंग इनफ नॉलेज और रिक्वायर्ड नॉलेज टू अटेम्प्ट एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, ठीक है, एरर डिटेक्शन और फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन दोनों को क्लब करके फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे डेली। एक एक्सरसाइज हमने एरर डिटेक्शन का करना है और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का करना है, ओल्ड प्लस न्यू पैटर्न, ठीक है। कभी ओल्ड पैटर्न कर लिया, कभी न्यू पैटर्न कर दिया, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो फंडा यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि ये सारी चीजें हमने इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है, एरर डिटेक्शन भी करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करना है, वोकैबुलरी भी देखनी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपनी इस डेली सीरीज में, हम जो है वो आपको सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आपने ग्रामर प्रिपेयर करनी है, कैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना है, कैसे आप वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे और कैसे हमने इनके क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करें, ठीक है। तो अभी पीडिया आपको देगा कि आप फ्री ट्रायल लें जा करके और वहां पर क्वेश्चंस को तो जा करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो भी आपको टॉपिक चाहिए, अगर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। एज सच ऐसा कुछ नहीं होगा कि मॉक टेस्ट सीरीज आपको अवेल नहीं कराई जाएगी, बट ऑन द बेसिस कि आप उसे प्रैक्टिस कर पाए, आपकी प्रैक्टिस को, आपकी जो अटेम्प्टेशंस हैं, जितने अटेम्प्ट्स आप करेंगे उनको हम जो है मॉनिटर करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इस तरीके से यहां आप अपनी प्रोसेस में लैग कर रहे हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, चीजों को प्रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास सारी चीजें होंगी, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, पहले टॉपिक, देन आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आप उस चीज को इम्प्रूव कर पाए। तो इंग्लिश के लिए आपको जो इम्प्रूवमेंट टैक्टिक्स चाहिए थी, जो स्ट्रैटेजी चाहिए थी, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, वेदर इट इज फॉर प्रीलिम्स, वेदर इट इज फॉर मेंस, आपको सारी चीजें मिलेंगी। बट द थिंग इज यूज कर पाए अपने डेली रूटीन में, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बनाइएगा। मैंने आपको बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, टाइम मैंने आपके लिए बाउंड नहीं किया है, बिकॉज क्वांटिटी मैंने आपके लिए बाउंड कर दिया कि सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग 50 क्वेश्चंस तो इट विल बी गोइंग टू टेक 30 to 50 minutes फॉर अ टॉपिक। और अगर 15 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं या 8 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं तो पर डे आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो
ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी इंग्लिश स्ट्रैटेजी के लिए, और 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसे प्रिपेयर करने के बाद जो चांसेस हैं, ठीक है, अपने आरबीआई असिस्टेंट के पेपर को क्लियर करने के बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, अपने ही लेवल में आपको इंक्रीमेंट फील होगा। तो आज के लिए हमारा इंग्लिश स्ट्रैटेजी सेशन यही था। इसके अलावा हम जो है डेली आपके लिए इस चैनल पर ही लेक्चर्स अपलोड करेंगे अभिपीडिया बैंकिंग पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल प्रोवाइड यू आरबीआई असिस्टेंट्स फुल कोर्स ऑन यूट्यूब। हम यूट्यूब पर आपको फुल कोर्स वीडियो फ्री में प्रोवाइड करेंगे सो दैट के आप उन्हें देख करके यूज करके अपने पेपर को क्लियर कर सके। तो ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अभिपीडिया बैंकिंग।